सबसे पहले हम पहले अपना कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं लहंगा, उसके बाद उस गले में हमारे कुछ भी चीजें लगे नहीं, इसके लिए हम टिशू या टॉवल लगा लेते हैं। तो हम कहीं भी टॉवल ढूंढने नहीं जाते जब हेयर ब्राइडल करते, तो हमारे पास टिशू रखना चाहिए। तो मेकअप की शुरुआत ये हमारा हो गया। अगर हमने ज्वेलरी पहन ली है पहले, हमारी हेयर स्टाइल बनती है तो उससे पहले हमें ज्वेलरी पहनना होता है। अभी ये लोग अपना ऐसे बना रही थी, कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है चलो इसी ग्रुप का मेकअप भी कर देते हैं, तो हेयर स्टाइल आप इतना मत ध्यान दीजिएगा। तो हेयर स्टाइल भी बन चुकी, गले में नेक में भी पहन लिया इन्होंने। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उस पर ज्वेलरी में भी आपको ये टिशू लगा देना। टिशू देखो, सबसे पहले जब हम हेयर ब्राइडल करने जाते हैं तो वहां पे हम क्लींजिंग लेके, आप लोग को मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? इस तरीके से हम ऐसे लग कर लेते हैं, हैंड में अपने रैप कर लेंगे टिश्यू को। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, मम्मी दर्शन आने में तो देखो। नहीं नहीं कहीं मत बैठो। यहाँ पे सबसे पहले आँख के पास ऐसे आँख थोड़ी सेंसिटिव होती है। देखो आज हम क्या करते हैं, देखो ये रहती है गांव साइड, ठीक है। गांव में क्या होता है कि बहुत ज्यादा धूल मिट्टी डस्ट और धूप वगैरह पड़ती है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा ना ही क्लीन रहती है, डेड स्किन बहुत ज्यादा होती है और डलनेस होती है, अनइवन स्किन। आपको हमेशा, हमने इनको इसलिए चुना, नॉर्मली हम शहर में थोड़ा रहते हैं तो हमारी स्किन ज्यादा क्लीन होती है, उतना डस्ट वगैरह नहीं होता, उतनी टैनिंग नहीं होती है। लेकिन हम थोड़ा सा स्पेशली जब हम ठंडियों में गाँव में होते हैं तो हमारे साथ इसी तरीके की स्किन को हमें मेकअप करना होता है। देखो पता है क्या, हम जितने भी लोगों को देखते हैं मेकअप करते हुए, वो लोग एक मॉडल होती है, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर जगह तो हम जब सोसाइटी मेकअप करते हैं तो उसमें आपका क्लाइंट जरूरी तो नहीं है ना कि उसकी हर किसी की स्किन अच्छी हो। तो वहाँ पे हमें हर तरीके से काम करना आना चाहिए, क्योंकि आपका हर जो ब्राइडल है उसे पहले से, तो जरूरी नहीं कि उसने फेशियल ही कराए हो, कुछ लोग नहीं भी कर रहते हैं।